हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन कम्युनिकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में 8 मई 2020 के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो तक और देखते रहना। आपको अप्रैल 2020 के अगर करंट अफेयर चाहिए तो आप मेरी चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, मैंने उसमें टॉप 200 क्वेश्चंस डाल दिए हैं दोस्तों, ठीक है। और उसकी पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो के बीच में जाके देख सकते हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलना। सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस अप्रैल के जो एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है सारे मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। दोस्तों आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय मंडल युवा खेल 2021 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों इसमें पूछा है जो राष्ट्रमंडल खेल हमारे होते हैं वो कब तक के लिए जो है पोस्टपोन किए गए हैं 2021 के। दोस्तों इसका सही आंसर है 2023, ऑप्शन बी। ये पहला क्वेश्चन है जिसे 2023 तक के लिए स्थगित किए गए हैं गेम्स, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 7वें सत्र का आयोजन 1 से 7 अगस्त 2021 ये 7th एडिशन है इसका जो इस बार होना था, ठीक है दोस्तों। और 1 से 7 अगस्त 2021 में त्रिनाडो टोबैगो जगह है, ठीक है, वहां पर ये किया जाना था। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल महासंघ जो CGF है, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन, ने कहा कि कैरिबियाई ही राष्ट्र खेलों की मेजबानी करेगा, मतलब 2023 में ही क्या होगा, इनको ही कैरिबियाई, जो कैरिबियाई जगह है त्रिनाडो टोबैगो कैरिबिया में है, वही इनकी मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन में जगह का कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये जो गेम्स आयोजित किए जाने थे वो 2023 में किए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनके फोन को व्हाट्सएप। क्वेश्चन दो, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीराम वेंकटरमन, ठीक है, इनको नया नियुक्त किया गया है सीईओ। तो सभी सीईओ का मतलब होता है कार्यकारी अधिकारी जो होता है, और आप जानते हैं फ्लिपकार्ट क्या है, एक ई कॉमर्स साइट है ऑनलाइन शॉपिंग की, बहुत ही फेमस साइट है फ्लिपकार्ट। और इसके संस्थापक कौन थे, बिन्नी बंसल, और बिन्नी बंसल ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दोस्तों बेंगलोर, कहाँ है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन थ्री है दोस्तों, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। दोस्तों इसको नवंबर 2021 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। इस साल आयोजित होने वाली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 जो थी इसको एक मतलब नवंबर 21 में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, इसे 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक 2021 में आयोजित किया जाएगा। डेट भी इसकी जो है वो घोषित कर दी गई है दोस्तों, और कोरोना वायरस का ही इम्पैक्ट है कि ये सारे जो टूर्नामेंट्स हैं ये सब पोस्टपोन किए जा रहे हैं। इस बार विश्व चैंपियनशिप को स्पेन के हुआवे में कैरोलिना मारिन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, स्पेन में। और BWF के बारे में मैं बता देता हूँ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसको आयोजित कराती है वर्ल्ड चैंपियनशिप को, मुख्यालय कहाँ है इसका, कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर कहाँ है, मलेशिया, ठीक है दोस्तों। एंड इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 जुलाई 1934। एंड लास्ट जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, पॉल एरिक। क्वेश्चन चार है दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने विदेश से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नौसेना की बात हो रही है, एंड ये किसका नाम है दोस्तों, समुद्री सेतु, ऑप्शन सी समुद्री सेतु एक कार्यक्रम शुरू किया है नौसेना ने, नौसेना बोलते हैं हमारी इंडियन आर्मी को। दोस्तों इस अभियान में नौसैनिक जो जहाज है हमारे आर्मी के जलस्व और INS मगर को मालदीव भेजा गया है, कहां पर, मालदीव, जो वहां से हमारे जो भारत के लोग हैं उनको लेके आएंगे और कोची में लेके आएंगे, कहां लेके आएंगे, कोची में उनको उतारा जाएगा, लगभग 1000 लोगों को लाने की योजना बनाई गई है केरल के कोची में। दोस्तों लगभग सोशल डिस्टेंसिंग भी इसमें रखी जाएगी और 1000 लोगों का टारगेट है कि मालदीव से लगभग 1000 लोग भारत में आए। और अभी कोरोना के बारे में आप जानते हैं, जो कोरोना का जो ग्रोथ रेट है वो काफी इंक्रीज हो गया है, पहले जो था ये 2 मई को 4.8% था और अभी ये इंक्रीज हो गया, क्या है, 6.6% हो गया है दोस्तों। तो लगभग पहले क्या था, 15 दिन में केस डबल होते थे कोरोना के, अब फिलहाल में 11 दिन में ही केस डबल हो रहे हैं और जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ गया है, तो ये एक चिंता का कारण है भारत के लिए। नौसेना के बारे में आप जानते ही हैं, तो दोस्तों इंडियन नेवी के जो चीफ है उनका क्या नाम है, एडमिरल करमबीर सिंह,
इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, ठीक है। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा दिया है, 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तेलंगाना, ऑप्शन ए। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने इसको 29 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। एंड 17 मई तक फिलहाल देश में लॉकडाउन का आदेश हुआ था दोस्तों, जो 3.0 है, मतलब तीसरी बार जो लॉकडाउन हमारा बढ़ाया गया है। पहले आप जानते हैं पहले इसे किया गया था, तो पहला जो लॉकडाउन था दोस्तों आप जानते हैं वो 25 से शुरू होकर 14 तक चला था, उसके बाद फिर 15 से बढ़ाया 3 मई तक के लिए, अभी 4 मई से फिर से इसे 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसके अलावा 29 मई तक जो लॉकडाउन को बढ़ाया है वो बढ़ाया तेलंगाना की गवर्नमेंट ने, ठीक है। और वहां के जो मुख्यमंत्री उनका क्या नाम है? चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव, और उन्होंने ही आदेश जारी किया है दोस्तों। अभी तक ये ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने गेंद चमकाने के लिए लार या पसीने के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों आप देखते हैं क्रिकेट में बॉलर्स एक अच्छी बॉल पर ग्रिप बनाने के लिए थोड़ा उसे गीला करते हैं, लार वगैरह लगाते हैं ताकि उस पर ग्रिप अच्छी बने, तो इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि कोरोना जैसे लार वगैरह यूज होगा, पसीना यूज होगा, उससे कोरोना फैलने का खतरा है दोस्तों, एक दूसरे के टच में लोग आएंगे, कोरोना फैलेगा, इसी को रोकने के लिए अभी ऑस्ट्रेलिया ने गेंद चमकाने पर यह प्रोसीजर बैन कर दिया है। तो अब बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है कौन है? स्कॉट मॉरिसन, और वहां की जो कैपिटल है क्या नाम है? कैनबरा, एंड वहां की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है दोस्तों, कैनबरा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट TIU, ठीक है, जो TIU है, खिलाड़ी यूसुफ होम्स पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है, वो किस देश के हैं? जो टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट होती है उन्होंने इस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों ये मिस्र के खिलाड़ी है, ऑप्शन बी, इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। बहुत सारे मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार के इन पे मामले पाए गए थे, मतलब अब ये कभी भी जो है टेनिस नहीं खेल सकते, ठीक है दोस्तों, बहुत सारे इन पे फिक्सिंग के आरोप हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और इन पे पूरा आजीवन बैन लग गया है। TIU ने अपनी जांच में पाया कि होस ने 2015 से 19 के बीच में 21 बार भ्रष्टाचार रोधी नियमों का उल्लंघन किया है, ठीक है। होस को 8 मैच फिक्सिंग और 6 बार जुए से संबंधित मामले में इन्वॉल्व पाया गया है, संलिप्त थे वो इस मामले में, तो इसीलिए इनको बैन कर दिया है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? क्या है ये अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर? जैसे किसी भी एरिया में कोई कोरोना फैलने का, वायरस फैलने का खतरा है, तो उसी को आइसोलेट करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए ये टावर बनाया है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, DRDO, ठीक है दोस्तों। और DRDO के बारे में आप जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वो है न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट टाइम में जो चीफ है उनका क्या नाम है? जी सतीश रेड्डी। और एक लास्ट इसके बारे में, इसकी स्थापना 1958 में। तो सारे क्वेश्चन मैंने रिवाइज करा दिए जो भी इससे बनते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विश्व नो डाइट डे कब मनाया गया है, मतलब वर्ल्ड नो डाइट डे? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 मई। तो पहला इंटरनेशनल है ये इस बार जो मनाया गया था, पहला इंटरनेशनल नो डाइट डे यूके में मनाया गया था दोस्तों 1992 में। इस दिन की शुरुआत एक ब्रिटिश महिला मैरी इवांस ने शुरू किया था ताकि लोग जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार करें। दरअसल खुद को बेहतर दिखने की चाहत में कई लोग अपनी पसंद को मारते हैं, भूखे रहते हैं, अपनी पसंद का खाना नहीं खाते, ठीक है। और खास तौर पर युवा वर्ग में तो डाइटिंग आप जानते ही हैं कैसे करते हैं लोग, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इस चक्कर में कई बार लोग बीमार हो जाते हैं। मोटापा, कमजोरी, तेजी से बहुत ज्यादा वजन कम होना, बेली फैट या फिट बॉडी जैसे भी है, हम उसको स्वीकार करें, ठीक है। यही इसीलिए ये नो डाइट डे का मनाया जाता है, लोगों को डाइट के सही तरीके बारे में बताना, शिक्षित करना, डाइट से छुट्टी लेना, अलग अलग आकार और साइज को स्वीकारना, यही सब है इसमें, ताकि आप खाने से प्यार करें। ऐसा नहीं है आप ये छोड़ दें कि मैं इससे मोटा हो जाऊंगा, छोड़ दो मैं मोटा हूं पतला हूं, वो सब इसीलिए, इन सब बातों से दूर रहने के लिए ये विश्व नो डाइट डे 6 मई को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने, मतलब गवर्नमेंट ने जो स्टेट की है, भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, एक व्हाट्सएप का नंबर जारी किया है ताकि हम भ्रष्टाचार को रोक सके, करप्शन को रोक सके, कोई भी हमारे सामने ऐसा कुछ हो रहा है उसकी शिकायत कर सके। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ने ये शुरू किया है ताकि हम कोई भी अपने सामने किसी को भ्रष्टाचार या करप्शन में लिप्त देखें उसकी शिकायत कर सकते हैं, कोई वीडियो है कोई फोटो है हम उन्हें भेज सकते हैं। एंड त्रिपुरा की बात करें तो कैपिटल क्या है त्रिपुरा की, अगरतला। ठीक है दोस्तों, अगरतला। और ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस जो वीडियो से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल फिर मिलता हूँ, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।